ये शूट सर हम लोगों ने मुंबई में किया और बाकी ब्रीफिंग तो डायरेक्टर साहब बेटर दे पाएंगे, लेकिन मेरी सिर्फ यही है कि हमने मुंबई में शूट किया और ये जो स्क्रिप्ट जब इन्होंने सुनाई थी तो वो स्क्रिप्ट मेरे दिल के करीब थी, तो तभी मैंने सुनते ही एक इनिशिएटिव ले लिया कि मुझे ये फिल्म करनी है। सो दैट्स ऑल आई वांट टू स्पीक अबाउट इट। एक दिन का शूट था बॉम्बे में, मड अरेन में हमने शूट किया है, बहुत स्मूथ हुआ है, सच कुछ हर्डल्स और चीज़ें नहीं हुई। बाकी फिल्म बड़ी इमोशनल है एंड बॉम्बे से मुंबई का जो सफ़र रहा है शहर का, एक चीज़ बहुत कॉमन रही है कि आज भी दे आर मैनी गर्ल्स और सिंगल मदर्स हु आर स्टिल इन यू नो वर्किंग इन बार्स इन डांस बार विच इज़ देयर उनका ब्रेड एंड बटर। एक सिचुएशन आती है, एक इवेंट ऐसा होता है जब आप ना चाहते हुए भी कुछ भी करते हो, तो ये एक ऐसी फिल्म है जो मैं लोगों को दिखाना चाहता था कि वो बुरी चीज़ नहीं है, इट्स जस्ट एक सिचुएशन आता है जब आप थक हार के कुछ भी करने को रेडी हो। बॉन्डिंग तो हमारा 3 साल पहले से था, जैसे मैं बताया हम फिल्म बनाने वाले थे तो बॉन्डिंग पर नहीं बन पाई, उसके बाद जब वापस मिले तो मुझे 3 साल बाद ऐसे नहीं लगा कि मैं इनसे फिर से मिलूँ, तो वो बॉन्डिंग ऐसा नहीं था, हम कनेक्शन में भी नहीं थे, बट जब वापस आए तो मैडम भी जस्ट एक बात छिड़ी और आज आप लोग इधर हो हम लोग इधर हैं, तो बॉन्डिंग तो इतना अच्छा ही है कि सर मुझे एक्चुअली मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे ऑडियंस का तो नहीं पता कि वो क्यों देखने आएगी, बट मेरे को एक बहुत पुरानी कहावत पता है जो मेरे मॉम से मैं सुनती थी कि जो आप करते हो या जो आप खाते हो जो पहनते हो जो पीते हो वो हम लाइक हम सबको वही पसंद होता है कि हम औरों को भी वही चीज़ सर्व करें, तो मुझे ये फिल्म और ये कंसेप्ट और ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा डायरेक्टर साहब का, तो मैंने इसलिए इसको बनाई और इस कहानी से थोड़ी एक छोटी सी स्टोरी भी जुड़ी हुई है, तो इस वजह से भी मैंने इसका इनिशिएट किया। सो इट्स अ वेरी ओल्ड मूवी एक्चुअली, इन 1987 आई वॉच्ड अ मूवी विथ माई मॉम, तो वो माँ बेटी उस फिल्म का नाम था और वो स्टोरी भी काफ़ी लाइक मुझे इम्प्रेस कर गई थी और मैं अपने मॉम के बहुत करीब हूँ, तो मुझे जब ये स्टोरी सुनाई गई, जब मुझे डायरेक्टर साहब ने ये स्टोरी सुनाई तो मुझे इतनी पसंद आई, मैंने बोला ये बननी चाहिए और ये लोगों तक जानी चाहिए, क्योंकि ये आज का स्ट्रगल है। आप हम कहते हैं ना मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास होता है, जो भी परिस्थिति आती है जो भी सिचुएशंस आते हैं हम उसमें एक्ट करते हैं, इट्स नॉट कि हम एक्ट करते हैं सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग एक्ट करती है, तो कोई भी परिस्थिति है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, डांस करना या खाना बनाना या वेटरिंग का काम करना छोटा या बड़ा नहीं होता, वो मेरे थॉट में था, मैंने एक इनिशिएटिव लिया इस चीज़ के लिए सर। मैं तो मूवीज के बाद में आता हूँ, मेरा रोल दो टाइप से होता है, म्यूजिक बनाना एक पहले। आपके साथ जब धीरे कैसे लगा? जब कंचन के साथ हमने स्टार्ट किया था तो हमने ऑलरेडी 2 गाने पहले बना चुके हैं और वो 2 गाने शूट होने वाले थे जो शूट नहीं हुए, लेकिन ये गाना आया फिर जो ऑलरेडी मूवी बनी हुई थी इसके अंदर गया और इस गाने को वापस शूट भी किया जिसमें मैं भी हूँ, एक और वीडियो आएगा अभी जिसमें मैं हूँ। तो जब मेरे पास एक कॉन्सेप्ट आया था, सुमिता ने मुझे ब्रीफ दिया था, कंचन ने मुझे जब ब्रीफ दिया था, तो अगेन जैसे मैंने वहाँ पर भी बोली थी सेम चीज़ कि वो ब्रीफ काफ़ी था मतलब इस गाने को बाहर लाने के लिए, मुझे विजुअल्स की नीड ही नहीं लगी, वो बन गया गाना और आज आपने देख लिया कि वो मूवी कैसी दिख रही है, वो गाना कैसा लग रहा है उसके अंदर। सो फर्स्ट क्रेडिट मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर को देता हूँ जिनका ये थॉट है, क्योंकि म्यूज़िक दो टाइप से बनता है, एक म्यूजिशियन जो खुद से बनाता है और एक जब म्यूज़िक मूवी के लिए बनाया जाता है, दोनों में एक डिफरेंस होता है, तो एक एज एन आर्टिस्ट मैं समझता हूँ उस चीज़ को। गाने बहुत अच्छे गाते हो, सुन रहा हूँ, बेगुना थे हम, बेगुना बेगुना। मेरे को तो लाइक मैंने जब खुद की अपनी फिल्म देखी तब मुझे एकदम बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं सबको थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप सबने मेरी एक्टिंग को लाइक मुझे थोड़ा
खुश किया आप लोगों ने, आपने बोला कि हाँ आपने अच्छी एक्टिंग की है, और जब मुझे ये मूवी मिली और जब मुझे पता चला तब तो मैं बहुत खुश थी, और मैं बस मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मा कब होगा इसका शूट स्टार्ट। देखिए हालांकि मैं अभी तक 10 प्रोजेक्ट कर चुका हूँ, 10 फिल्में बना चुका हूँ और आगे भी बनाऊँगा, तो मैं अपने किसी भी एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं करता, मेरे लिए हर एक प्रोजेक्ट फर्स्ट। बॉम्बे की अपनी खासियत है, बॉलीवुड की अपनी खासियत है, और उसमें हर एक स्क्रिप्ट अपना एक किरदार चुनती है, हम सिर्फ विश लिस्ट में डालते हैं। अब हार्दिका की खोज हमने नहीं करी थी, ये कपिल ने करी थी, ये कास्टिंग डायरेक्टर हमारे कास्टिंग का। तो यस, हर एक प्रोजेक्ट का ना एक अपना होता है, तो अब मज़ा तो हर प्रोजेक्ट में आता है। जो सबसे खराब प्रोजेक्ट आपने बनाया उसमें बहुत मज़ा आता, क्योंकि वो आपके अकल खाते में जाता है, ये आपके तरक्की में जाता है। आप किसी हलवाई को ये नहीं कह सकते ना कि आपको आपकी आपकी फेवरेट मिठाई आपकी कौन सी है। एक ही सीन है जब आशुमा, जब ये आते हैं और खूब सारी अच्छी बातें करते हैं आशुमा से, और उस दौरान भी जो माँ है, जैसा कि है ना, पहले वो उसको डांट देती है बेटी को, फिर इनसे झगड़ा होता है, लेकिन उनके बैक एंड पे से वो सिमी है, एंड शी जस्ट गो, एंड वो एक जो सेफ शेल्फ है, वो जो मिलती है इनसे, वो एक ऐसा सीन है जो सिर्फ सिर्फ वही एक दुनिया है, कोई हरीश, कोई कोई नहीं, सिर्फ माँ बेटी। मैम आपसे डेफिनेटली OTT पे ही होगा, और अभी तो देखिए आज ये लोगों तक पहुंची है, तो अब उसके मुताबिक ही हम आगे प्रोसीड करेंगे। अभी मैं कुछ कम मतलब कंफर्म नहीं बता सकती कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, बट डेफिनेटली यस आएगा, और बहुत जल्दी आएगा। आप लोग का मैसेज आएगा सर, देख लिया हमने, आप लोग वापस से इनवाइटेड भी रहोगे उस टाइम पे, और हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे एक सक्सेस पार्टी की। तब क्या है ना, अभी लड़की को देखें सर, अभी लड़की पसंद की हमने, अभी डेट वेट निकालेंगे आराम से, मिल जाएगा आपको, मिलेगा। बट हालांकि क्या है कि अभी तो पहली बार चाय का ट्रे आया है, हाँ, अभी तो सिर्फ लड़की देखे, अभी रोका भी नहीं हुआ है, कार्ड मिलेगा रोका, अभी मुझे बताया गया शादी होनी है बस, बहुत ऑडियंस एक्साइटमेंट नहीं नहीं, बहुत ही जल्द, बहुत जल्द, बहुत जल्द सर आपको बताएंगे, न्यूज देंगे, हम बात चल रही है, और ये एक सरप्राइज रहेगा ही ऑफकोर्स, तो मैं वो सरप्राइज को खराब नहीं करना चाहता। बेसिकली मैं सर को तभी से जानता हूँ, जो द वॉलेट फिल्म है, मैं तभी से जानता हूँ, मैं इसके साथ काफ़ी काम किया है, एज एन AD भी काम किया था, और काफ़ी अच्छा काफ़ी एक्सपीरियंस किया है, तो वो बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। पिछले 2 साल से मैं कास्टिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं घर पे था, सर ने बोला कि ये स्टोरी है, मैंने पढ़ा, एक कास्टिंग वाले का और लाइक डायरेक्टर का ही अलग विजन होता है, तो मैंने भी सोचा कि लाइक मैं किसको कास्ट कर सकता हूँ। मेरा मेन टारगेट था जो हार्दिका है उसको कास्ट करने का, क्योंकि बच्चों की कास्टिंग ना बहुत ज़्यादा ही डिफिकल्ट होती है, या तो बहुत ईजी हो जाती है अगर ऐसी बच्ची मिल जाए, और कुछ बच्चे होते हैं लाइक उनको समझाना पड़ता है, उनको एक्ट कराना पड़ता है, बस तो मैंने दो ऑप्शन में ऑप्शन किया। तो बेसिकली द वॉलेट एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सबके वॉलेट भरे हैं प्रोजेक्ट से। सर आखिरी में मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि ईच एंड एवरी वन, नारी नहीं मतलब पुरुष भी, बस जैसे मैंने ड्रीम देखा वैसे ही सब लोग ड्रीम देखो, और जो जिसको करना है वो अपने सपने को चेज करो और अपना काम करो, और सब लोग अपना अपना काम अच्छे से करो, बस इतना ही है। वो नारी हो या पुरुष हो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, और शक्ति सबके अंदर बराबर ही है, कोई हमें ज़्यादा नहीं है, बस हम एफर्ट ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि हमें पहले दिन से बोल दिया जाता है कि बेचारी है, तो वो सुन सुन के हमारे अंदर एक आ जाता है कि नहीं भाई हमको ज़्यादा करना है, हमको ज़्यादा करना है, और आपको थोड़ा सा ओवर पैम्पर कर दिया जाता है बस, और कोई बात नहीं है, इट्स वेरी सिंपल लॉजिक, बाकी शक्ति बराबर है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। कैसे कैसे विश किया जाए बताइए सबको, आप सभी लोगों को राम नवमी की शुभ शुभ कामनाएं, और आप लोग प्लीज़ ये इवनिंग को एंजॉय कीजिए, और हमारे साथ आप लोग ऐसे ही मुखातिब होते रहिए, जल्दी 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 हम काम करते रहें। थैंक यू सो मच।